हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 11th में, राइट? तो मैं आपको ध्यान से बता रहा हूं बच्चों, आप ध्यान से सुनना, उसको नोट डाउन कर लेना। ये कोई रॉड है और इसे दो सपोर्ट दिए गए हैं, ऐसे देयर आर टू सपोर्ट्स ऑफ द रॉड। रॉड की मास है m और लेंथ है एल। तो ये जो डिस्टेंस दिया गया है ये है एल बाई फोर और ये भी है एल बाई फोर सपोर्ट, एल बाई फोर डिस्टेंस फ्रॉम ईच एंड। हमें बोला गया है फाइंड दी फोर्सेस एग्जर्टेड बाय दिस टू सपोर्ट्स सो दैट दिस रॉड रिमेन इन इक्विलिब्रियम। मतलब ये रोटेट नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पे रहेगा, ठीक? तो जब इक्विलिब्रियम की बात होती है तो हमारे दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, जरूर यहां पे फोर्स भी बैलेंस होगा और टॉर्क भी बैलेंस होगा, तब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ले सकते हैं हम लोग, दैट इज एमजी एक्टिंग डाउनवर्ड। मान लेते हैं ये सपोर्ट R1 फोर्स लगा रहा होगा ऊपर और ये R2 लगा रहा होगा ऊपर, ठीक है? ये जो mg लगेगा वो कहां लगेगा? L by 2 पे लगेगा, ऑब्वियस सी बात है, ये भी L by 2 होगा। अब इक्विलिब्रियम में होने के लिए टोटल फोर्स अपवर्ड मस्ट बी इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड। तो मैं क्या लिखूंगा, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mg, ठीक है? अब क्या होगा कि सपोज अब मैं टॉर्क की बात करूंगा, जब मैं टॉर्क की बात करूंगा तो पहले मुझे एक्सिस को डिफाइन करना पड़ेगा, इस एक्सिस के अबाउट में मैं रॉड को रोटेशन के लिए एज्यूम कर सकता हूं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो एक्सिस होगा इसके सेंटर से ही पास करता होगा, एज्यूम कर लेते हैं। आप एक्सिस कहीं से भी एज्यूम कर सकते हो, आप ये भी मान सकते हो कि एक्सिस पासिंग थ्रू दिस वन ऑफ द सपोर्ट, यहां पे पॉइंट है ना रॉड और सपोर्ट के बीच में, मान लेते हैं एक्सिस यहां से पास कर रहा है, या फिर आप एक्सिस यहां से भी ले सकते हो, ठीक है? तो मैं फिलहाल एक्सिस ले रहा हूं थ्रू दिस पॉइंट, इसका सेंटर ऑफ मास पे ही ले रहा हूं मैं दिस वन। तो अब इस एक्सिस के अबाउट में आप इमेजिन करो ये फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये क्या चाहता होगा, ये रॉड ऐसे ऊपर उठ जाए, दैट मीन्स ये रॉड को ऐसे रोटेट करना चाहेगा R1 फोर्स। और R2 देखो, R2 ऊपर लग रहा है ना, यानी कि ये इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये चाहता है कि रॉड ऐसे ऊपर उठ जाए, मींस इसकी रोटेशन टॉर्क ऐसे देना चाहेगा। दोनों टॉर्क अपोजिट है, अगर ये इक्वल भी हो जाए तो टोटल टॉर्क विल बी जीरो। दैट मीन्स टू इक्वल एंड अपोजिट थिंग ऑलवेज मेक्स जीरो थिंग, प्लस टू माइनस टू जीरो ही तो होता है, राइट? तो टू इक्वल एंड अपोजिट थिंग इज ऑलवेज जीरो। सो टॉर्क अगर जीरो करना है तो मैं लिखूंगा टॉर्क ड्यू टू R1 इज इक्वल टू टॉर्क ड्यू टू R2। तो टॉर्क क्या लिखूंगा, फोर्स इंटू ए वाला डिस्टेंस, ये कितना डिस्टेंस, कितना है, एल बाई टू माइनस एल बाई फोर, एल बाई टू माइनस एल बाई फोर करूंगा तो यह डिस्टेंस आ जाएगा, दैट मीन्स R1 इंटू हमारे पास आ जाएगा एल बाई फोर, सिमिलरली R2 इंटू आ जाएगा हमारे पास एल बाई फोर। इक्वेशन वन, इक्वेशन टू, दोनों टॉर्क इक्वल, दैट मीन्स हमारे पास आ गया R1 इज इक्वल टू R2, दोनों फोर्स इक्वल आ गए। हमेशा आ जाएगा इक्वल, ऐसा फैक्ट नहीं है, ये आपको फॉर्मूला में नहीं बता रहा, ये मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि इक्वेशन लिखते कैसे हैं। सो R1 इज इक्वल टू R2, सो मैं यहां डाल सकता हूं, R1 की जगह पे मैं R2 लिख सकता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, 2R2 इज इक्वल टू mg, और वी कैन से R2 इज इक्वल टू mg/2। तो R2 की वैल्यू आ गई mg/2, R1 की वैल्यू भी सेम आएगी mg/2, राइट? सो दोनों की वैल्यू आ गई। अब एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है, लेकिन आपको इक्वेशंस पे ध्यान देना, आपको कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कौन कौन सी फोर्सेस कहां लग रही है उसको बैलेंस कर दो, कौन कौन सा टॉर्क लग रहा है उसको बैलेंस कर दो। आप इसको नोट डाउन करो, मैं इस पर आपको एक क्वेश्चन और बताऊंगा।
वी हैव अनदर क्वेश्चन फ्रॉम रोटेशनल इक्विलिब्रियम, ध्यान से देखना बच्चों, इसको नोट डाउन भी कर लेना। अ यूनिफॉर्म मेटल बार ऑफ लेंथ 70 सेंटीमीटर एंड मास 4 केजी इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन टू नाइफ एजेस पिवोटेड एट 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द रॉड। तो सबसे पहले आपको डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा कि एक मेटल बार ले लो आप ऐसे, दिस इज द मेटल बार, 6 केजी मास सस्पेंडेड है। तो आपको सबसे पहले नाइफ एजेस पिवोटेड है ये आपको डायग्राम में दिखाना पड़ेगा, एक यहां दिखा दो, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच एंड, दिस इज योर 10 सेंटीमीटर एंड दिस इज योर 10 सेंटीमीटर, और एक 30 सेंटीमीटर पे एक मास को आपको हैंग करना है, सस्पेंड करना है। तो मान लो यहां कोई मास आपने ऐसे कोई मास लगा दिया, 6 केजी है ये, ऐसा, फाइंड द रिएक्शन। तो इसके मूवमेंट की यहां पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि किस और मूव कर गया, दैट मीन्स ये स्टेबल ही रहेगा, ये हॉरिजॉन्टल का ये हॉरिजॉन्टल ही रहेगा। तो सबसे पहले आपको इसके सेंटर पे इसका खुद का वेट दिखा दो, फाइंड द रिएक्शन। इसका खुद का वेट ले लो इंच, दिस वन रिएक्शन एट नाइफ एजेस, ये R1 मान लेते हैं, ये R2 मान लेते हैं। 6 केजी का जो वेट लगा है ना, यहां भी आप इस पर फोर्स दिखा दो, कितना फोर्स दिखाना पड़ेगा, 6G। ठीक, अब सबसे पहला काम हमें फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। टोटल फोर्स अपवर्ड इज इक्वल टू टोटल फोर्स डाउनवर्ड, तो टोटल फोर्स अपवर्ड में ले रहा हूं R1 प्लस R2, ये हो जाएगा 6G प्लस 4 kg, यानी कैपिटल एम की वैल्यू 4 kg है, तो प्लस 4G यानी कि 10G हो गया ये, और G की वैल्यू 9.8 है, तो यहां डाल देते हैं तो 98 हो जाएगा टोटल, 98 न्यूटन R1 प्लस R2 का सम। इसे नाम दे देते हैं इक्वेशन 1। अब आप एक एक्सिस ले लो जो इसके सेंटर से पास कर रहा होगा, ठीक है, ताकि हम टॉर्क का इक्वेशन लगा पाए। तो उसके लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए और ये डिस्टेंस चाहिए। टॉर्क क्या होता है, R × F। तो R1 के कारण जो टॉर्क होगा वो ऊपर लगेगा ऐसा, ये रॉड को उठाना चाहता है ऊपर, यानी कि ऐसा रोटेट हो जाएगा। ये R2 का टॉर्क इधर है इस एक्सिस के अबाउट में, और ये नीचे लग रहा है, दैट मीन्स रॉड को नीचे रोटेट करना चाहेगा ऐसा, इसका रोटेशन ऐसा होगा अगर होगा तो। देखो इन दोनों का सेंस देखो एक ही तरफ है ना, इधर और इधर का टॉर्क इसका अपोजिट का टॉर्क है। अगर इक्विलिब्रियम में रहना है तो इन दोनों का जो सम होगा टॉर्क का, दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस, तभी वो स्टेबल रह पाएगा। तो मैं लिख सकता हूं ये 10 है और 30 सेंटीमीटर पे रखा गया था ना, ये 30 सेंटीमीटर है, तो ऑब्वियस सी बात है ये टोटल हमारे पास ये जो है ये 35 होगा यहां तक, और ये 35 इधर होगा, तो 35 में से 30 गया, दिस इज योर 5 सेंटीमीटर, और यहां से यहां तक जो होगा 35 माइनस 10 25, तो R1 वाला जो टॉर्क होगा वो मैं लूंगा R1 × 35 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 × 35 माइनस 10, ये भी 25, R1 × 25 सेंटीमीटर प्लस 6G के साथ मुझे लेना पड़ेगा ये वाला डिस्टेंस, 35 माइनस 30 यानी कि 5 सेंटीमीटर, दिस वन। ठीक है, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए मुझे लगता है। तो ये हो जाएगा, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूं, 5 इज ये सारा नंबर 5 से डिविजिबल है, तो ये मेरे को मिल जाएगा 7R1 5R2 प्लस 6G, सो 7R1 − 5R2 6 × 9.8, सो 58.8, दिस इज द इक्वेशन 2, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब हम बड़े आराम से सॉल्व करके वैल्यूज को निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके आप लोग वैल्यूज निकालोगे और कमेंट सेक्शन में डालोगे, कुछ तो करना नहीं है, बस ये दो इक्वेशन तो सॉल्व करने सबको आता है ना, 9th में पढ़ा है, 10th में पढ़ा है, 11th में भी पढ़ी रहे हो आप लोग,
ठीक है, तो काफी इजी हो गया। तो मेरा काम था आपको इक्वेशंस लिखवाना, सॉल्व तो आप लोग खुद भी सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर टॉर्क और फोर्स दोनों का कॉन्सेप्ट है जो आपको हमेशा सीखना है अभी, और तो आपको इस पे सीखने के बाद प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक से प्रैक्टिस करो, आपको वो कॉन्सेप्ट अगर सीख गया हो तो सॉल्व हो जाएंगे। नहीं होता है तो यू कैन आस्क योर डाउट्स विद मी, आई विल हेल्प यू टू सॉल्व इन दैट। ठीक है बच्चों, प्लीज नोट इट डाउन।